Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, last lecture में हमने types of motion को study किया. First type of motion को हमने study किया last lecture में translatory motion. आज हम study करेंगे rotatory motion and vibratory motion in detail. ठीक है? Students, जैसा कि मैंने last lecture में आपको बताया कि इस दुनिया में जो भी चीज है वो motion में है. डिफरेंट चीजें हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हैं. कुछ चीजें सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हैं, कुछ चीजें रोटेटरी मोशन में मूव करती हैं, कुछ चीजें वाइब्रेटरी मोशन में मूव करती हैं. हर एक चीज इस दुनिया में मोशन में है. जैसा कि अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, वो भी एक मोशन है. उस टाइप की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इन डिटेल बताया. आज हम इस लेक्चर में स्टडी करते हैं अपनी रोटेटरी मोशन को. इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं. द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन. स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी का मोशन अबाउट इट्स एक्सिस, उस एक्सिस के राउंड अबाउट मूव करना, किसी भी बॉडी का, उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक व्हील है, गाड़ी का व्हील है. गाड़ी का व्हील जो है वो कनेक्ट होता है उसके सेंटर से. गाड़ी का जो व्हील होता है उसके सेंटर में एक एक्सल लगा हुआ होता है. वो एक्सल दर हकीकत एक्सिस है. ये एक्सिस है, वो एक्सल दर हकीकत एक्सिस है. और उस एक्सिस जो है, वो एक्सल जो है, उसके राउंड अबाउट हमारी गाड़ी का जो व्हील है वो मूव करता है. और वो जो मूव करता है उस टाइप की मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको रोटेटरी मोशन की समझ आ गई होगी कि कोई भी बॉडी अगर अपने एक्सिस के राउंड अबाउट मूव करती है उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. द मोशन ऑफ ए व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, जैसे मैंने अभी बताया कि गाड़ी का जो व्हील होता है वो एक्सल के राउंड अबाउट ही मूव करता है. और वो जो एक्सल है स्टूडेंट, वो दर हकीकत हमारे पास एक्सिस ही होता है. ठीक है, आगे है स्टीयरिंग व्हील. जो स्टीयरिंग व्हील है ये हमने होल्ड किया किसी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील. ठीक है, हमने मूव करवाया स्टीयरिंग व्हील के जो पीछे एक एक्सल लगा हुआ होता है. ठीक है, उस एक्सल जो होता है उसके ऊपर हमने अपना स्टीयरिंग व्हील फिक्स किया होता है. जब हम स्टीयरिंग व्हील को मूव करवाते हैं स्टूडेंट, तो जो एक्सल है वो भी मूव करता है. और इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी एक्सिस के राउंड अबाउट ही मूव करता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये है कि एक्सिस, एंड एक्सिस इज ए लाइन अराउंड विच ए बॉडी रोटेट. एक्सिस वो लाइन होती है जिसके राउंड अबाउट हमारी कोई भी बॉडी मूव कर रही हो. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन की बात की, अब हम बात कर रहे हैं रोटेटरी मोशन की. तो स्टूडेंट, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक लाटू की मिसाल ले हम, तो लाटू जो है जब वो मूव करता है तो एक नीचे जो उसकी निप लगी हुई होती है उसके राउंड अबाउट मूव करता है. तो हम कह सकते हैं कि वो उसका जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है. क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सिस के राउंड अबाउट मूव करता है. ठीक है, लेकिन उसी लाटू की अगर बात करें, अगर उसका जो उसके अंदर एटम जो है, आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में भी पता पड़ा कि कोई भी चीज है वो एटम के साथ मिलकर बनी हुई होती है. ठीक है, जब लाटू के जो एटम्स होते हैं वो उनके ऊपर जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है. क्यों? क्योंकि वो जो एटम है वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं. लाटू तो रोटेटरी मोशन में मूव करता है, लेकिन लाटू के जो एटम होते हैं स्टूडेंट वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं. सो इसका कंसेप्ट और सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट अलग है. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वाइब्रेटरी मोशन की. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन.
किसी भी बॉडी का अपने मीन पोजीशन के अबाउट मूव करना, टू एंड फ्रॉम मूव करना, उस टाइप की मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। उसकी एग्जांपल से हम डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स यूज हो रही हैं वाइब्रेटरी मोशन की, उसको स्टडी करते हैं और आपको इसका सही से कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वाइब्रेटरी मोशन हम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, एक क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, एक क्लॉक बनी हुई होती है, नीचे जो पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा होता है, ऐसे जो चल रहा होता है, मोशन में होता है इसका पेंडुलम, उस टाइप की मोशन को हम कहते हैं वो जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मूव कर रहा है। देखिए पहले मीन पोजीशन पे ऐसे होगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ऐसे होगा, फिर यहां से मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो मोशन है इसकी, ये क्या है, ये अबाउट इट्स मीन पोजीशन है। तो इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल है सीसा। सीसा आपने देखा होगा कि एक बच्चा यहां पे बैठता है और दूसरा बच्चा यहां पे बैठता है, तो ऐसे ऐसे सीसा ऊपर नीचे होता है, मूव करता है, मोशन में होता है। इस टाइप की मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, क्योंकि ये जो मोशन कर रहा है ये अबाउट इट्स मीन पोजीशन कर रहा है। सो इसीलिए हम इस टाइप की मोशन को भी वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ए बॉडी एक बेबी इन ए क्रेडल मूव टू एंड फ्रो। एक जो बच्चा है वो क्रेडल में, वो झूले में बैठा और लेटा हुआ है और हम उसको झूला दे रहे हैं, ऐसे हम झूला दे रहे हैं उसे, ठीक है, ऐसे झूला दे रहे हैं, और जो झूला है उसका जो मीन पोजीशन के अबाउट ही मूव कर रहा है। तो इस टाइप की मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की, मोबाइल वाइब्रेटिंग। स्टूडेंट जब आप मोबाइल को वाइब्रेटिंग मोड पे लगाते हैं, ठीक है, जब आप मोबाइल को वाइब्रेटिंग मोड पे लगाते हैं तो जब किसी की कॉल आती है तो ऐसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, कपकपाता है, तो वो जो कपकपाना है उसका वो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वो अपनी पोजीशन पे रह के ही कपकपाता है। ऐसा नहीं होता कि वो जब वाइब्रेटिंग मोड पे हो तो वो इधर उधर हो जाए, वो अपनी मीन पोजीशन पे अबाउट ही कपकपाता है, ठीक है। स्टूडेंट ये हमने रोटेटरी मोशन को भी इन डिटेल डिस्कस कर लिया और वाइब्रेटरी मोशन को। रोटेटरी मोशन क्या है, सम अप इसका करूंगा मैं, वो है कि कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट जब मूव करती है उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और इस वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, वो मोशन जो बॉडी अपने मीन पोजीशन में रह के करती है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में, काइनेमेटिक्स के इस चैप्टर में हमने मोशन को स्टडी किया इन डिटेल। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी किया, ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी किया, रोटेटरी मोशन को स्टडी किया, वाइब्रेटरी मोशन को स्टडी किया। जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसको, उसकी मजीद आगे तीन जो इकसाम थी, तीन जो टाइप थी, उसको हमने डिस्कस किया, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, वो भी आप देख लीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।